टूटा। अरे यहाँ क्या हो रहा है, जल्दी काम करो, पिकनिक है क्या? उन्होंने देखा क्यों? उन्होंने देखा मर गए। ये पेंटिंग इस होटल में 100 साल से थी। ये क्या कर दिया है तुम लोगों ने? 100 साल से बहुत पुरानी पेंटिंग है। मैं तो कहता हूँ आपको नई ले लेनी चाहिए। पुरानी चीजें नायाब होती हैं। इसलिए तो आप इतने खराब हो। I mean नायाब हो। मानसिंह जी, आप मुझे माफ कर देंगे ना? अगर ये गलती मैंने अपने गांव में की होती तो मुझे ये सजा मिलती कि पहाड़ पे से 2 बार चढ़ना और उतरना पड़ता। बहुत थकने वाला काम था। थकोगे तो अब भी तुम, क्योंकि तुम्हारे शनिवार की छुट्टी कैंसिल और तुम्हें डबल ड्यूटी करनी। इससे अच्छा तो पहाड़ से चढ़ना और उतरना ही। अब इसके पैसे कौन भरेगा? आई थिंक मेरे ड्रॉअर में बहुत सारे छुट्टे हैं। अपनी छुट्टी बचा के रखो छोटे। तुम तो कुछ भी ठीक कर सकते हो। हाँ? और तुम इसे भी जोड़ सकते हो। अरे एकदम सही कहा, जोड़ से याद आया। मानसिंह जी, आपके जोड़ों का दर्द अब कैसा है? सबके सामने नहीं, वैसे अभी ठीक है। बहुत अच्छे। वैसे इसको तो मैं चुटकियों में जोड़ दूंगा और इसके काम आएगा मेरा कमाल का नया चिपकू। ये तुमने बनाया? जी जी जी। बेस्ट ऑफ लक। ये देखना, 2 बूंद यहाँ और 2 बूंद यहाँ। अब देखना चिपकू का कमाल। धुआं, धुआं। हाँ हाँ हाँ, जरूर किचन में आज सिज़लर बन रहा होगा। नहीं, ये धुआं तो फ्रेम में से आ रहा है। डिजिटल बहुत ही अच्छा गम है। थैंक यू। चिपकाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? जिस किसी भी चीज को चिपकाता है उसे चिपकाने के बाद मेरा गम उस चीज को बॉम्ब बना देता है। ये क्या कोई छोटी सी प्रॉब्लम है? ये क्या है? न्यूज़पेपर, 40 साल पुराना, खजाने की खोज। डॉन के बाप जॉन, दुनिया भर की पुलिस डॉन के बाप जॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है और आखिर में डॉन का बाप जॉन पकड़ा ही गया। राजमहल होटल बॉम्बे से, और आखिर में उसने वादा भी किया कि वो अपना खजाना आकर ले जाएगा। यानी कि इस होटल में कई खजाने छुपा है, लाखों रुपए हो सकते हैं। करण डार्लिंग, तुम्हारा खाने का टाइम हो गया है। खाने में क्या है जान? चॉकलेट। और मीठे में? चॉकलेट। थैंक यू क्यूटी पाई। छोड़ दे, क्या कर रहा है? सॉरी, मैं अपने सपने में खो गया था। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे मम्मी से कहकर अपना अलग रूम लेना पड़ेगा। बे कद्दू, अगर हमने ये खजाना ढूंढ लिया तो तू अपना अलग रूम क्या, अपना अलग घर ले पाएगा? मैं अपने पैसे घर पे थोड़ी खर्च करूंगा। मैं तो धन्यवाद धन्यवाद भाइयों और बहनों और मेरी पर्सनल असिस्टेंट्स। मेरे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में नोबेल प्राइज जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे खाना पकाने में भी एक नोबेल प्राइज दे दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज सबके लिए फ्री केक। मॉम, मुझे अलग से कमरा चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना बंद करेगा और खजाना ढूंढेगा? खजाना? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, चलती रहो। करण बेबी, इस होटल में खजाना है। चोरी थोड़ी ना की है, प्यार किया है। नी, ये लो पढ़ो। अरे
ये तो शोभा जी की फोटो है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो इसी होटल की यूनिफॉर्म में है और काम नहीं, आराम कर रही है। गाइस, शायद शोभा जी को पता होगा कि खजाना कहाँ है। वाह, क्या बात की है विनी, थैंक्स। थैंक्स बैंक्स अपने पास रखो। अगर इस होटल में खजाना है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो तुम लोग ये कैसे जानते कि इस फोटो में शोभा जी है? एक मिनट, टीम मीटिंग। मुझे लगता है इसे भी एक हिस्सा देना चाहिए। पता नहीं यार, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी इस होटल में काम करती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो अब तक कुछ बड़ा कर रही होती है ना? क्या बोलता है? मैं इधर ही खड़ी हूँ। तुम्हारा हिस्सा पक्का है के? शोभा जी, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और मुझे उठना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, फिर ठीक है, फिर पूछो जो पूछना चाहते हैं। शोभा जी, आप उस डॉन के बाप जॉन के बारे में कुछ जानती हो? होए, वो इस नाम को सुने तो एक जमाना बीत गया जब मैंने इस होटल में नौकरी नई नई ज्वाइन की थी ना। तब मैं पहली बार मिली थी जॉन से। ओए, वो होगा बड़ा चोर अपने घर का। असल में तो उस नामाकुल का दिल मैंने चुराया था। दुनिया भर का 18 मुल्कों का पुलिस डॉन का बाप जॉन को पकड़ने को मांगता, लेकिन जॉन सिर्फ तुमको मांगता। बेबी, ओए बेबी, किसको बोला ओए? खोते। अब उनके साथ भाग चलने का बेबी। ओए, मुझे उठना तो नहीं पड़ेगा ना? नो बेबी, अपुन तुमको उठा के ले जाएगा। हम तो खुद उठकर तुम्हारे पास चले आए हैं बेबी। जॉन के बाप जॉन को हाथ लगाने का परमिशन लगता है। ए, तुम दोनों क्या करता है? तो क्या सोचा, अब उनके साथ भाग चलने का बेबी? जेल में जाकर ये क्या करेगी जॉन के बाप जॉन? ऑफिसर साहब, यही है वो आदमी जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। अब मैं दुनिया की सबसे अमीर औरतों के बीच दूसरे नंबर पर आ गई हूँ। नहीं, साहब को कोई नहीं रोक सकता। जॉन के बाप जॉन को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? मैंने। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। लगता है हम जीतने वाला है। गुनाह के रास्ते में सिर्फ हार होती है, सिर्फ हार। जॉन का बाप जॉन अपने खजाने को लेने के लिए जरूर वापिस आएगा। बेबे, बेबे, बेबे। अपने खजाना ढूंढने की कोशिश नहीं की? ओके ना, लेकिन सिर्फ ठेंगा मिला, ठेंगा। हमें कोशिश करनी चाहिए। हाँ जरूर करो कोशिश, किसने मना किया भाई? लेकिन एक बात याद रखना, अगर खजाने में से कुछ भी मिला तो उसमें मेरा हिस्सा जरूर होना चाहिए। नॉट फॉरगेट। टीम मीटिंग। इन्हें भी एक हिस्सा देना पड़ेगा क्या? एक यही तो है जो उस समय भी होटल में थी, और इससे शायद खजाने के बारे में और भी सुराग मिल सकते हैं। हाँ, और बाद में हम इनका हिस्सा कम भी कर सकते हैं। वैसे भी वो कितनी आलसी है, गिनने की कोशिश भी नहीं करेगी। मैं अभी यहीं पर बैठी हुई हूँ। आपका हिस्सा पक्का? आपको खजाने के बारे में और कुछ याद है? हाँ, जब जॉन जेल में था ना, तो मैं उसे मिलने के लिए वहां गई थी। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने मुझे बताया कि खजाना दिल के नीचे है। इसका क्या मतलब हुआ? जंग बहादुर जी साहब, दूल्हा दुल्हन आते ही होंगे, ये बॉटल जाकर उनके हनीमून स्वीट में रख दो। हनीमून स्वीट? हमको हनीमून स्वीट बहुत पसंद है। सब कुछ दिल का जैसा दिखता है। दिल का जैसा साबुन, दिल का जैसा तकिया, दिल का जैसा ग्लास, सब जगह दिल, दिल ही दिल। जंग बहादुर,
हमें इस कमरे में घुसने के लिए तुम्हारी चाबी चाहिए। नहीं, अलाउड नहीं है। टीम मीटिंग। और हमें खजाना चाहिए तो हमें इसे भी एक हिस्सा देना होगा। पर क्यों? क्योंकि हम सब सुन सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा भी एक हिस्सा पक्का। चुपचाप से चलो हमारे पीछे आओ, जल्दी करो। खजाना शायद दिल के नीचे हो सकता है। करण, तकिए के नीचे देखो। विनी, दिल के पीछे। खजाना, खजाना। हेलो, ये क्या हो रहा है? शादी की बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ चूहा था। चूहा? टेंशन मत लीजिए, चूहा थककर सो भी गया होगा। ओके बाय। मुबारक हो सर। जॉन का खजाना तो उन दिलों के नीचे नहीं था। डॉन का बाप जॉन? उस डाकू ने तो मेरी दादी के पैसे चुराए थे। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। टीम मीटिंग। लगता है इसे भी हिस्सा देना होगा। नहीं, इसके पास तो पहले से ही बहुत पैसे हैं। और इसे तो उन पैसों की भी कदर नहीं है। मेरे बर्थडे पर भी सिर्फ एक चॉकलेट दिया था। तुम सबको पता है ना कि मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं इस होटल का कोना कोना जानती हूँ। तुम्हारा भी एक हिस्सा पक्का। ये रानी। किचन में बोला था। नहीं, किचन में क्या रहा? स्पारू, स्पारू, मतलब स्पारू। तुम कर रहे हो? किचन। होटल का दिल होटल के एकदम बीच में ही रहना चाहिए, है ना? मेरे हिसाब से गार्बेज रूम के नीचे वाला कमरा होटल के एकदम बीच में ही पड़ता है। खजाना मिला? अब तक तो नहीं। मैंने कहा था ना। वैसे एक मिनट, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। क्या? बहुत साल पहले मैंने हमारे इस होटल के सामने एक शूटिंग देखी थी। शम्मी सिंह, क्या बढ़िया डांस किया था उसने। इस होटल का दिल हुआ स्पा रूम, और स्पा रूम के अंदर एक हार्ट शेप टब है, और उसके नीचे किचन है। विनी के साथ हूँ। तू तो हमेशा विनी के साथ ही रहता है। मैं जंग बहादुर के साथ हूँ, और हम बॉल रूम जा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ कौन? कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम अलग अलग रास्ते जाएंगे, और ठीक एक घंटे के बाद यहाँ मिलेंगे। और जिसे सबसे पहले खजाना मिला उसे मिलेगा सबसे बड़ा हिस्सा। लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था कि हम लोग इक्वल हिस्सा बांटेंगे। तुझे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना है छोटू। मुझे लगा था कि खजाना ढूंढना मुश्किल काम होगा, लेकिन काफी मजा आ रहा है। जंग बहादुर, कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। अरे बिल्ले जितना बड़ा मकोड़ा। खुश खुश भाग गया, मेरे को देख के भाग गया। जंग बहादुर, मस्ती करना बंद करो, देखते रहो। अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? ओह, जैसी है वैसी ही होगी। ये रानी। मैम साहब, मैं नीचे आ रहा हूँ, पकड़ लोगे ना आप? रानी मैम साहब, पकड़ लेना। एक बार वो खजाना मुझे मिल जाए। होटल बहादुर पैलेस में आपका स्वागत है। मिस्टर बैनर्जी का सामान रूम नंबर 360 में ले जाइए। जी साहब जी। यस।
सीढ़ियों से। जंग बहादुर जी साहब जी। मान सिंह सर। हाँ। चार बज गए, यानी कि मेरे शो का टाइम हो गया। होटल बहादुर पैलेस के मेहमानों, अब आपके सामने एक विशेष प्रदर्शन। जंग बहादुर। ओ साहब जी, मानसिंह साहब भागो। कहां चले गए? तुम अंदर क्या कर रहे हो? मेरा पेन खो गया था। करण, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। ये किचन का स्टूपिड आइडिया किसका था? स्टूपिड, चुप हो जाओ और ढूंढो। मुझे वो खजाना चाहिए। मैडम, आपका फोन है। अब मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपकी वजह से सारे जंगल, सारे जानवर, सारे मछलियाँ और लोगों की मुझे जुओ से सेफ है। और जॉन के बाप जॉन के खजाने के वजह से मैं ये सब सिर्फ एक हफ्ते में कर सकी। अब मेरा कॉफी का टाइम आ गया है। मुझे भी आना है, मुझे भी। सॉरी करण, लेकिन ये मेरा सपना है। मुझे भी आना है। हेलो मैम, वैसे आपका कमरा सब ठीक ठाक है ना? आप कोई जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ओके? विनी, तुम्हें हो क्या गया है? मानसिंह जी आ रहे, भागो! उधर छुपते। ये थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? गिर गया तो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सेफ है। अरे मिल गया। क्या खजाना? नहीं, मेरा पेन। अरे इसमें तो ब्लू इंक थी, ये रेड कैसे हो गई? तुम्हारे पास पिज्जा है? क्यों? क्योंकि इसमें टमेटो सॉस है। ये सब तुम्हारी गलती है जंग बहादुर। हाँ हाँ, मेरी ही गलती है, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे तुम्हारे से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि सब काम तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर तुमने इतना काम किया तो खजाना कहाँ है? मतलब तुम्हारे लिए मेरा दिल टूटना काफी नहीं था, अब मेरा जेब भी काट रही हो। तो सबके सब आ ही गए ना मेरे पास? क्यों, खजाना मिला? तुम्हें मिला? नहीं, और जब मिलेगा तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बांटूंगा। मुझे ना अभी अभी ना डॉन के बाप जॉन के बारे में कुछ याद आया था। मैं भूल गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। एक्चुअली मेरा दिन तो अच्छा खासा जा रहा है। मुझे अपना पेन मिल गया, लंच में पाव भाजी थी, पेन में टमेटो सॉस है, और मैं ये भी बनाने में कामयाब हो गया। ये मेरा न्यू सुपर इम्प्रूव्ड चिपकू है। ये सिर्फ चिपकता है, ये फटता बिल्कुल भी नहीं है। देखो जी, इसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही है, दूर फेंको। अरे वाह, चिपक गया और फटा भी नहीं। देखा? क्या आपने मेरे बच्चों को
देखा है? नहीं, क्या आपने स्टाफ को देखा है? नहीं, मतलब कुछ धमाका होने वाला है। अरे आप हमेशा से बुरा क्यों सोचते हैं? इसीलिए अरे तुम सब ठीक हो ना? सास अंदर और बाहर लो। हमने ये सब नहीं किया, हम तो सिर्फ खजाना ढूंढ रहे थे। होटल की दीवार में छेद। मानसिंह जी हमें माफ कर दीजिए। ओए माफी किस बात की? जॉन के बाप जॉन का खजाना। हेलो बैंक ऑफ मुंबई में आपका स्वागत है। अगर आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने तो प्लीज आगे वाले गेट से आइए। वो क्या है ना कि लाइन बहुत लंबी होती है। तो आज हमने एक सबक सीखा। हाँ, कि आपके और खजाने के बीच में नहीं आना चाहिए। पर मुझे भी तो पहले से पता होना चाहिए था ना कि यहाँ पर कोई खजाना वजाना नहीं छिपा हुआ, वरना वो जॉन मेरे लिए ये सस्ता सा हार्ट शेप लॉकेट लेके आता। ओए हीरे लाता हीरे। यस खजाना दिल के नीचे है। डॉन का बाप जॉन यही लॉकेट की बात कर रहा था। तुम लोग शोभा जी को पकड़ो, मैं लॉकेट छीनता हूँ। नहीं, नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन। तुम सबको ये हार्ट शेप लॉकेट चाहिए ना? ले लो। वैसे भी मुझे ये बकवास लॉकेट पसंद ही नहीं है, पर जब से पहना है आज तक कभी खुला ही नहीं है मेरे से। ये लो पकड़ो। शोभा मेरी जान, मेरा खजाना। अरे शोभा जी, डॉन के बाप जॉन का खजाना आप ही थी। ये जो सारे कड़के लड़के होते हैं ना, ऐसे ही बातें करते हैं। जब मेरे जैसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं ना, तो ऐसे ही डायलॉग बोलते हैं। यस अब मैं इस होटल का मालिक कभी नहीं बन पाऊंगा, और अब मैं कभी मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगी, और अब मैं नोबेल प्राइज कभी नहीं जीत पाऊंगा, और अब मैं विनी से कभी शादी नहीं कर पाऊंगा, और अब मैं, अरे मैं तो अभी अमीर हूँ, ये रॉनी, और अब मेरा चिपकू कभी भी कुछ भी नहीं चिपका पाएगा। बाल मेरा चिपकू बाल उगाता है, मेरा चिपकू बाल उगाता है। मैं अमीर हो गया। आप मानसिंह जी ये लो, आप रख लो अपनी नौकरी, मैं अमीर हो गया। यस यस मैं अमीर हो गया। एक्सक्यूज मी, नौकरी छोड़ना कैंसिल है प्लीज।